What's up YouTube, this is Rohit Khitri and I'm back with another video. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ साथ घंटे को दबाएं और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें गाइज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पर जाओ फॉलो करो, रोहित खित्री फिटनेस के नाम से अकाउंट है। सबसे पहले गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऐसे वीडियो को लाइक करते रहे, लाइक करना ना भूले, अपना चैनल सपोर्ट होता रहेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइस आज की वीडियो बाइसेप्स के ऊपर होने वाली है। गाइस देखो, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बाइसेप्स बहुत सही है, ठीक ठाक है, तो बहुत सारे लोग है ना बहुत परेशान रहते हैं, उनके बाइसेप्स बड़े नहीं होते, उनके बाइसेप्स बड़े नहीं हो रहे, वो बहुत वर्कआउट करते रहते हैं, चार तरह की वर्कआउट, पांच तरह की वर्कआउट, छह तरह की वर्कआउट। तो आपको बताऊंगा सबसे पहली चीज़ जो डिपेंड होती है वो होती है न्यूट्रिशन पे। चलो हम न्यूट्रिशन का फैक्टर हटा देते हैं, बात करते हैं कि आपके बाइसेप्स क्यों ग्रो नहीं हो रहे, आप न्यूट्रिशन भी अच्छा ले रहे हो। तो गाइस देखो, सबको पता है बाइसेप्स की गिनी चुनी वर्कआउट है, लाइक आप डंबल से कर रहे हो, डंबल कर्ल कर रहे हो, आप फोन गिर गया, टूट गया, बाढ़ में जाओ, छोड़ क्या बोल रहे थे, हाँ तो बाइसेप्स की बहुत तरह की वर्कआउट होती है। आप डंबल कर्ल कर सकते हो, आप बाइसेप्स कर्ल कर सकते हो, आप हैमर कर्ल लगा लेते हो, आप रिवर्स कर्ल कर लेते हो। गाइस देखो, सब कर रहे हैं बट सबके तो ग्रो नहीं हो रहे ना। रीज़न क्या है बाइसेप्स के ग्रो ना होने का, वो है टाइम अंडर टेंशन, कि आप कितनी देर अपनी बाइसेप्स की मसल को अंडर टेंशन रख रहे हो ताकि वो ग्रो होने पे मजबूर हो जाए बिल्कुल, जिस पे पड़े इफेक्ट। और दूसरी चीज़, सही तरीके से फॉलो ना करना, सही तरीके से मेरा मतलब है कि मूवमेंट का पता ना होना कि मूवमेंट कहाँ तक होनी है। तो आज मैं तीन मिस्टेक बताने वाला हूँ गाइज, अवॉइड करें गाइज, और हो सके तो इन मिस्टेक को अवॉइड करें अगर आपको अपने बाइसेप्स ग्रो करने हैं। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपको पता होगा गाइज बाइसेप्स की क्या होती है, वो है स्ट्रेट बार में डाल के और आपका बाइसेप्स कर्ल करना। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ इसमें। पहली चीज़ आप ये देखिए कि आपको पकड़ना कैसे है। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग अंगूठों के नीचे रखते हैं। तो पहले आप देखिए कि आपको बराबर एंगल से कहाँ होगा, तो दोनों तरफ अब बराबर हो गया है, लाइक गैप बराबर है, और आपने ये रोड उठा लिया। सबसे पहली गलती लोग कहाँ करते हैं गाइस, मैं दिखाता हूँ, वो ऐसे भारी वेट लेके और झटका मारता उठाने पे, तो ये टाइम अंडर टेंशन तो आ ही नहीं पाई आपकी मसल। टाइम अंडर टेंशन का मतलब है कि कितनी देर आपकी जो मसल है वो ट्रेन हुई है वर्कआउट करते वक्त, आपने ऐसे कर दिया। सबसे जो बड़ी मिस्टेक देखता हूं गाइस लोग ये करते हैं, अबे यार थोड़ा अगर नहीं होती थी तो थोड़ा वेट कम कर लो। ऐसा किसने बोला है कि अगर आप भारी वेट से लगाओगे तो जो आपकी मसल है वो जल्दी ग्रो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता गाइस। तो आपको मेक श्योर आप उतना वेट ले जितना आप लगा सकते हो। दूसरी चीज जो आपको देखनी है गाइस, वो है अपने जो बार को है वो यहां टच नहीं करना है। जितना आप बार टच करोगे मतलब आप उतना टाइम अंडर टेंशन मसल का खत्म कर रहे हो, तो आपको बार को थोड़ा सा आगे रखना है यहां पर, एंड स्लो ऊपर एंड स्लो नीचे। फ्रंट से दिखा देता हूं, स्लो ऊपर स्लो नीचे। अगर आप 12 से 6 भी मारोगे तो कम से कम जो आपने 6 मारे हैं उनकी वर्थ तो है, उनकी वैल्यू तो है। आप ऐसे मारे जाओगे उनकी कोई वैल्यू थोड़ी है, इंजरी कर रहे हो, आपने आपको इंजर्ड कर रहे हो ना, एक डायरेक्ट मसल पे टेंशन पड़ रही है। तो मेक श्योर स्लो ऊपर एंड स्लो नीचे, स्लो ऊपर एंड स्लो नीचे, स्लो ऊपर एंड स्लो नीचे। तो ये हो गई सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं लोगों को देखता हूँ बाइसेप्स करते वक्त करते हैं। दूसरी मिस्टेक गाइस मैं दिखाता हूँ, सबसे जो मोस्ट पॉपुलर वर्कआउट है, तो आपने मशीन बहुत देखी होगी, हर जिम में होती है। आप दो तरह इसके कर सकते हो, एक तो तय आप ऐसे प्री चेयर में कर्ल कर सकते हो लाइक जो डंबल से होती है, बट अगर आप बात करते हो मशीन की तो सेम डंबल वाला बनेगा, सेम है मशीन वाला। तो इसमें लोग करते क्या है, सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि आपको वेट कितना लेना है, जबरदस्ती ज्यादा ना उठाए, कभी बिल्कुल ऐसे उठा के ऐसे करने लग रहे हो। दूसरी चीज गाइस आप देखें कि जब आप यहां पर लाते हो तो जो टाइम अंडर टेंशन है मसल का खत्म हो गया, अब मेरे नॉर्मल है, रिलैक्स है, बट जब यहां पर रहती है यहां मेरा बाइसेप्स पे फर्क पड़ रहा है, यहां पर मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरी टाइम अंडर टेंशन मसल आ गई है। नीचे
अब बहुत लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे छोड़ देते हैं। नीचे छोड़ने से क्या होगा, आप देख सकते हो मेरे को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, रखा रहे नीचे। बट जब यही चीज़ यहाँ आती है थोड़ी सी ऊपर, तो एक हाथ से करना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो इसकी मूवमेंट है उसका ध्यान रखें, यहाँ इतनी एंड इतनी, यहाँ इतनी एंड इतनी, यहाँ इतनी एंड इतनी। बात क्या गाइस, जो हमारे जो आर्म्स का पार्ट है ना, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, उसमें ट्राइसेप्स बड़ा हिस्सा है। अगर आपको आर्म्स का ओवरऑल लुक बड़ा दिखाना है तो आपको मेक श्योर आपको ट्राइसेप्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग बड़ा पार्ट है बाइसेप्स से। वो बाइसेप्स की वर्कआउट करते रहना करते रहना करते रहना, पहली बार तो इतनी छोटी मसल है, बार बार करोगे बार बार करोगे दिक्कत। और आई एम श्योर, क्योंकि यार आप देखते हो कि बाइसेप्स का साइज़ है, मेरी मसल बनी हुई है, हर कोई बना सकता है, वर्कआउट तो हर कोई करता है ना भाई। मच्छर क्यों लेंस के आगे घूम रहा है, हट। वर्कआउट तो हर कोई करता है ना, बट ग्रो क्यों नहीं हो पाते, जस्ट बिकॉज मिस्टेक। फॉर्म का पता ना होना, टाइम अंडर टेंशन ना रखना मसल को, डाइट अलग फैक्टर है, उसका तो आपको पता ही होगा। तो ये थी गाइस वीडियो, ये जो मिस्टेक्स है वो अवॉइड करें अगर आपको अपने बाइसेप्स का साइज इंक्रीज करना है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी वीडियो चाहिए, इंस्टाग्राम पर पूछिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इकतरी फिटनेस के नाम से अकाउंट है। कमेंट में बताएं कौन सी वीडियो होने वाली है नेक्स्ट, और लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब जरूर करें, सांड बन जाए और तोड़ दे, सब्सक्राइब होना चाहिए। नॉट पीस केन्स सस्ता डैब।